एडल्ट्स मुझसे एग्री करेंगे कि उन्होंने अपने माँ बाप को फिजिकली एक्टिव होते हुए देख लिया है। बहुत लोग रियलाइज करते हैं कि उन्हें माँ बाप अभी भी सेक्सुअली एक्टिव है, वो भले ही 60 में हो 70 में हो वो फिजिकली एक्टिव है। बहुत लोगों को इससे गुस्सा बहुत आता है, मेरे माँ बाप को शर्म नहीं आती इस उम्र में फिजिकली एक्टिव रहते हैं। क्या आपकी ये सोच सही है और ये गुस्सा क्यों? क्या आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप शुक्र करो कि आपके माँ बाप अभी भी फिजिकली एक्टिव है, इस उम्र में भी एक्टिव है? और आपको तो इस बात से खुश होनी चाहिए कि ये जो भगवान का वरदान है जो हमें मिला है कि हम फिजिकली एक्टिव हो सके, इसमें आपके माँ बाप अभी भी आगे हैं। तो सवाल ही ये आता है कि किस उम्र तक एक कपल, एक मर्द, एक औरत, सब की मैं बात कर रही हूँ, किस उम्र तक वो सेक्स कर सकते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, डॉक्टर स्टडीज ऐसा 100% तो कोई एज की बात करता नहीं है, वो कभी नहीं बताएगा कि ये 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि आपके बॉडी में कोई डिजीज तो नहीं है, आप कितना एक्टिव हो, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपका हेल्थ कैसा है, आपका अट्रैक्शन कैसा है, पार्टनर के साथ बॉन्डिंग कैसा है, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती है। बहुत सारे मर्द ये चीज़ को नोटिस करते होंगे कि जब वो बीवी के पास आते हैं उनका ढीला पड़ जाता है, बट जब वो बाहर संबंध बनाने जाते हैं उनका भला टाइट हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के हार्मोन्स, हमारी इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। चलिए फटाफट इसके बारे में धीरे धीरे बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम औरतों की बात करें ना, तो औरतों के बॉडी में मेनोपोज, हार्मोनल इम्बैलेंस, चाइल्ड बर्थ, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। बहुत ही कम उम्र में भी बहुत सारी औरतों का ऐसा होता है कि इंटरेस्ट घट जाता है, क्योंकि उनके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है, सेक्स हार्मोन डिक्रीज हो जाता है, जिससे उनकी इंटरेस्ट भी कम हो जाती है। बट बहुत सारे फीमेल ऐसे हैं जो मेनोपॉज के बाद भी काफ़ी अच्छी तरीके से सेक्सुअली एक्टिव है, उतना एक्टिव है जितना 20 साल की लड़की नहीं हो सकती। और अगर मैं मर्दों की बात करूँ तो मर्दों में क्या होता है कि वो औरतों जैसा मेनोपॉज का शिकार नहीं होता, तो इसीलिए एक मर्द चाहे तो 70 साल तक उतने ही एक्टिवनेस के साथ सेक्स कर सकता है। हाँ, एक 20-30 साल के लड़कों के शरीर में जो फिजिकली एक्टिवनेस की ज़रूरत होती है वो शायद 70-80 साल में ना हो, बट वो फिजिकली एक्टिव हो सकता है। अगर मैं रेशियो की बात करूँ, वो भी कई हद तक एजिंग के साथ साथ कम हो जाती है। बट यहाँ सवाल ये है कि हम किस उम्र तक फिजिकली एक्टिव हो सकते हैं, सेक्स हम किस उम्र तक कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई क्लीन चिट नहीं है कि इस उम्र तक कर सकते हो। अगर किसी मर्द के शरीर में 30 साल की उम्र में ही डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये सारी अगर डिजीज हो गई ना, तो उनका जो सेक्सुअल लाइफ है वो वही ख़राब हो जाता है, वही ख़त्म हो जाता है ऑलमोस्ट। और बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं जो 70 साल की उम्र में भी इन डिजीज़ों का शिकार नहीं है, इसीलिए उनके शरीर में ये सारी प्रॉब्लम्स भी नहीं है, क्योंकि ये जो डिजीज़ होते हैं ना, ये आपके बॉडी में सेक्स हार्मोन को, जो टेस्टोस्टेरोन मेन लीड हार्मोन है, उसको घटा देता है। बाकी जो हार्मोन्स होते हैं जो आपके मूड, आपके इंटरेस्ट, आपके अट्रैक्शन को बढ़ाता है, उनको प्रोड्यूस होने नहीं देता, और जिसके वजह से 40 साल की उम्र में ही आपकी सेक्स लाइफ बर्बाद हो जाती है, ख़राब हो जाती है। और कुछ हद तक ये आपके लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है। बहुत ही कम उम्र में बहुत ही ज़्यादा स्मोक, बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल, बहुत ही ज़्यादा उल्टे पुल्टे खाने, ये सारी चीज़ें भी आपके शरीर में कहीं ना कहीं आपके सेक्स लाइफ को अफेक्ट करता है, क्योंकि मोटापा, ब्लड सर्कुलेशन की कमी, ब्लड फ्लो की कमी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें भी आपके सेक्स लाइफ को ख़राब कर देती हैं। तो इसीलिए अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करें सबसे पहले, अगर आप चाहते हो कि आप लंबे उम्र तक सेक्स कर सको, क्योंकि भगवान ने ये जो सेक्स करने की क्षमता हमें दी है ना, वो इसीलिए नहीं दी है सिर्फ कि हम रिप्रोडक्शन कर सके, बल्कि ये जो शरीर हमें बख्शा है ना भगवान ने, इसको ताकतवर बनाए रखने के लिए, इसको एक्टिव रखने के लिए, इसको अच्छे से भगाने के लिए भी सेक्स हमें वरदान की तरह बख्शा है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती, आपका स्ट्रेंथ, स्टैमिना, आपका पावर, आपकी इंड्योरेंस, हर चीज़ में आपको कमी महसूस होती है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी आपको कम महसूस हो रहा है, क्योंकि आपको स्पर्म काउंट जो है, आपका जो सीमेन प्रोडक्शन है, उसमें आपको पतलापन महसूस हो रहा है, और आप बेड पे उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हो जिस लेवल पे आप चाहते हो, आप बहुत जल्दी ही थक जाते हो, तो इस केस में आप चाहो तो आप माजून हबशी का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो तेज़ी से आपकी बॉडी में स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन को तेज़ी से बूस्ट करता है, आपकी बॉडी में स्टेमिना, स्ट्रेंथ, पावर, इंड्योरेंस को इंक्रीज करता है। इसमें अकरकरा, मुस्तागिरुमी, विदारीकंद, अश्वगंधा, जफरन, सफ़ेद मूसली, सतावड़ी, शिलाजीत, लौंगसम और सलाम मिश्री जैसे इंग्रेडिएंट शामिल हैं जो तेज़ी से आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ, स्टेमिना, पावर इंक्रीज करते हुए टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, जिससे आपकी सेक्सुअल हेल्थ इंप्रूव होती है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी,
ट्राई आउट कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये एक इतनी हार्ड एक्सरसाइज है ना, जिससे आपके बहुत सारे ऑर्गन्स, ब्रेन से लेके आपके मसल्स तक एक्टिव रहते हैं, आपका हार्ट, आपकी बाकी सारी चीज़ें एक्टिव रहती है। तो इसीलिए ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए डॉक्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए सेक्सुअली एक्टिव रहने को भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म में सेक्सुअली एक्टिव रहने के लिए दोस्तों अपने खान पान पर फोकस करो, अपने डाइट पर फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा फल वगैरह खाओ, ज़्यादा ताकत मिले वो चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड करो, बाहर खाना जितना हो सके उतना अवॉइड करो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि छोड़ दो, पॉसिबल ही नहीं है। हम जो लाइफस्टाइल में जीते हैं, जो जो हमारे आसपास की दुनिया है, इससे हम बाहर नहीं निकल सकते, बट अपने आप को रोक तो सकते हैं, जितना हो सके अपने आप को रोको। और साथ ही साथ कोई ऐसे सप्लीमेंट अपने डाइट में इंक्लूड करो जो तेज़ी से आपके स्टैमिना, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वाइटलिटी, आपके विगोर को इम्प्रूव करता है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको सेक्स करने में दिक्कत नहीं होती, बट वो इस बात से अपने आप को पीछे लेके आते हैं कि भाई हमारे बच्चे हो चुके हैं, हमारे बच्चों के बच्चे हो चुके हैं, अबे हमें ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती। बट स्टडीज़ की माने, साइंस की माने, तो इतना लंबे वक्त तक आपका बेडरूम लाइफ सही है, उतने लंबे वक्त तक आप डिजीज से दूर हो। ट्रस्ट मी, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हुए आपके ब्रेन फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, ये आपके हार्ट फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, ये साथ साथ आपके मसल्स को, आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को, ब्लड सर्कुलेशन को, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। सेक्स के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जिसका मैं पर्सनली एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो इसीलिए अगर आप करने में सक्षम हो तो अपने आप को इन सारी तकियानुसी सोच के साथ इसको ख़राब मत करो। अपने पार्टनर के साथ अपने बॉन्डिंग को बढ़ाओ। प्यार मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती, सेक्स की भी कोई उम्र नहीं होती। जिस उम्र तक आप कर पाओ उस उम्र तक अपने आप को एक्टिव रखो। और मेरी वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।